मैं कार में बैठ चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं वाशी मंदिर में, जहाँ पे मैं चना के साथ प्रैंक करने वाली हूँ। सो एक्साइटेड होना, मैं भी हूँ। देखते हैं, चना ने बोला है थोड़े टाइम में वो आ जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा, और मुझे भी यहाँ से पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। और मेरे साथ कौन है ये नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, चना के लिए भी सरप्राइज़ है, और चना के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। सो देखते हैं चना का कैसा रहता है। वैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने लिटरली कुछ नहीं खाया था, तो फाइनली अभी मैंने सैंडविच मंगाया है और मैं जा रही हूँ अभी सैंडविच खाने के लिए। इनको खाना खा सकते खाने के लिए, वैसे भी हम मीटअप रखने वाले हैं तो साथ में हम खाएंगे। और हाँ, अभी भी सोच रहे हो ना, अभी तक चना को नहीं दिखाया, सस्पेंस से थोड़ा सा देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। चना अभी तक नहीं आया है, मुझे 10-15 मिनट बोला था, आधे घंटे से ज़्यादा ऊपर हो गया पता है, इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ। बट कोई नहीं, अभी वो आ रहा है, बोला है मैं पहुंच जाऊंगा 10 मिनट में। फिलहाल मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये मंदिर है ना? तो जैसे कि मैं मंदिर आ गई, बट पता है ना चना का, वो कभी टाइम पे रहता नहीं है। मैं उसे मंदिर बुलाई थी, बट वो वहाँ पे जाके वेट कर रहा है जहाँ पे हम डेली मिलते हैं। उसे नहीं पता है कि मैं फ्रेंड के साथ कार में आ रही हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ मतलब कि क्या उसका रिएक्ट रहने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि विनोद है। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, आज है 28 तारीख और मैं ऐसे रेडी हूँ, ऊपर से वो ऐसे देखेगा कार से निकलते हुए, वो बाबा, उसका रिएक्शन मुझे बस कैप्चर करना है कि कैसा उसका प्रैंक में शूट की हूँ, कैसा उसका रिएक्ट रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट पता चला उधरी वो झगड़ा करने लगा, कौन है, क्या है, कैसा है, क्योंकि वो जब मुझसे पूछेगा कौन है तो मैं तो यही बोलूँगी मेरा फ्रेंड है, तो बोलेगा मतलब यहाँ पे बहुत सारी बातें होने वाली है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने वाली है। बट जैसे चना जैसे मेरा गुस्सा कैप्चर करके दिखाता है ना, मैं आज आप लोगों को चना का गुस्सा दिखाऊंगी कि चना कैसा गुस्सा करता है। हमेशा सिर्फ आप लोग मेरा गुस्सा देखते हैं, चना का गुस्सा देखना कि उसका प्रैंक करने पे वो कितना ज़्यादा गुस्सा होता है। और ये जो है ना, ये कोई मतलब विनोद तो है ही नहीं दूर दूर का, ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है जिसको मैंने बोला है मैं छोटा सा प्रैंक कर रही हूँ मेरे चने के साथ, तो तुम थोड़ा सा बस मेरी हेल्प करो। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं चने का क्या रिएक्ट रहता है। और ब्लॉग क्यों चाह रही हूँ, क्यों मिलना, मतलब हर बार मिलना मतलब ब्लॉग करना, तो ठीक है ना, लोगों को यही पसंद है, अपन दोनों जब मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है वीडियो में देखना, तो मैं सोच रहा हूँ कि बट एवरी टाइम मतलब हमेशा। पर तुमने मेरे को ये बताओ कि कौन है वो, मुझे मिला उससे, देखो ज्योति मैं तुम्हारे हर फ्रेंड से मिला हुआ हूँ, और अभी ना फालतू की नखरे करो मत। तो इससे भी मैं मिला दूंगी, थोड़ा वेट करो, अभी वो जा रहा है ना, अभी उसको जाके तुम पता चला गुस्से में कुछ भी बोल दिए होते, अभी तक गाड़ी रुकी क्यों है, क्योंकि मैंने पर्स नहीं लिया, पर्स उसके पास ही ना, मैं बोली अरे एक मिनट चना से मैं बोल के बस आती हूँ। ज्योति अब ना मेरे को तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़, और आज 28 तारीख है, दिमाग खराब मत करो मेरा। हाँ तो क्या हुआ 28 तारीख, मैंने सोचा ही नहीं था आज 28 तारीख है, ये 28 तारीख का कुछ है, क्या हुआ? और आज तुम अच्छे कपड़े में भी घूम के फिर रहे हो, तो तुम्हारे बोलने का मतलब एक कार में विनोद है, तुम डायरेक्ट ये बोलना चाहते हो, ये बोलना चाहते हो क्या तुम? मैं जा रहा हूँ देखने, ज्योति दिमाग खराब मत करो, तुमको क्या, तुमको क्यों ऐसा लग रहा है, दिमाग खराब मत करो। अगर विनोद रहता तो मैं तुम्हारे पास क्यों मिलने आती, मेरे को मालूम है तुम उसको देखोगे झगड़ा करोगे, तो मैं तो आती क्या, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब विनोद बंदा सच में है, पता नहीं, नहीं मैं तो बोली तो थी, मैं तो वो वैसे ही नाम डालने के लिए दे दी थी, तो उन्होंने डाल दिया था। कौन सा नाम डालने दे दी थी? ज्योति अब ना मेरे को तुम्हारी बातें सही नहीं लग रही, अब समझ रहा है क्लियर कट कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं, नहीं जानता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमको आज का नहीं जानता, मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम क्या इतना गुस्सा कर रहे हो, मुँह बना रहे हो, बस करो भाई, हो गया ठीक है, वो मेरा फ्रेंड है, तुमको मिलना है ना उससे, रुको मैं उसका फोन छूते है क्या, नहीं छू सकता, छू सकते हो बट ऐसे पर्सनल चीजें भी रहती है कभी कभार, मेरे से ज्यादा पर्सनल और कौन सी चीजें रहती तुम्हारी? अरे यार तुम समझ, अभी तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो ठीक है ना, मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब, अरे तुम फालतू का, ऊपर से तुम ब्लॉग चालू करके गुस्सा कर रहे हो क्या, तुम लोगों को क्या दिखाना क्या चाहते हो? गाड़ी पे मेरे को बोलना मत, हाँ पत्थर फेंक दूंगा गाड़ी पे, कौन है, या तो उसको बाहर बुलाओ या तो मैं उधर जाऊंगा, तुम मेरी चीज मेरे पे ही करोगे, मेरी बात सुन लो, अगर मैं वहाँ गया ना तो तमाशा बहुत बड़ा होगा, अगर मैं वो कार तक पहुंचा, तुम पहले ये बंद करो, अगर मैं वो कार तक पहुंचा तो तमाशा मैं इतना बड़ा करूंगा ना तुम सोच भी नहीं पाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ।
अच्छा ना, तुम बोल रहे हो ठीक है, तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, तुम व्लॉग भी शूट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे वजह से ऑलरेडी मुझे बहुत सुन रहे हो ऑलरेडी। तुम मेरे से डबल डेट कर रहे हो, डबल डेट करके वो बंदे को मेरे सामने ही लाके दिखा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है? अरे किसने डबल डेट किया, मैं बोली ना वो मेरा फ्रेंड है, तुम बात बढ़ा रहे हो ठीक है ना। चला मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ भाई। लोग ये लड़की का ना मेरे को कुछ समझ रहा है नहीं, और हो गया भाई मेरे साथ ना, मैं खुला बोल रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ ना पक्का भाई किया हुआ। इनकी बात सुनो मैं कुछ भी क्यों नहीं सुनूं मैं। ओ तुम चुप बैठो, ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी व्लॉग में दिखा रहे हो तुम। इनके बातों से कुछ मैं पक्का नहीं। ए चना तुमको कसम है मेरी, कसम है मेरी तुमको, कसम है मेरी, कसम है मेरी, कसम है मेरी। वो मेरा दोस्त है, तुमको मिलना है ना, मैं उससे मिलवाती हूँ तुमको। कौन सा दोस्त है? है मेरा दोस्त, तुम नहीं मिले उससे अभी, वैसे हम लोग को झगड़ा करते हुए देख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। हाँ तो फिर वो बाहर क्यों नहीं आया अभी तक, अगर दूसरा कोई इतना दोस्त भी रहता। तुम झूठ कसम ले रहे हो? मतलब झूठ कसम नहीं ले रही हूँ मैं यार, मैं क्या कसम तुमको, मैंने कसम दिया है कि पत्थर मत उठाओ, मैंने बाकी क्या कसम लिया, कोई कसम वसम मैंने नहीं लिया है ठीक है। क्या है, क्यों उससे मिलना और ऐसा क्यों तमाशा करूँ, देखेगा क्या बोलेगा, क्या सोच रहा होगा। तुमको सोचना चाहिए ना, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कोई बंदे को मेरे सामने ला के तुम मार रहे हो। लेकिन तुम क्यों चिढ़ रहे हो, तुम मेरे फ्रेंड लोगों से नहीं मिले हो क्या, इससे बस नहीं मिलो, मिल लोगे। और मैं तुमसे मिलने आई थी, तो तुमसे मिल नहीं है मेरे को। अच्छा ना, मैं जा रहा हूँ उसको मिलने, कौन है वेंचर देख के आता। अब तुम ना हाथ भी छोड़ दो मेरा, किधर अब इधर यहाँ पे तमाशा मत करो, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, अब दिमाग खराब मत करो। चना वो देखेगा खाली बुक में, चना तुमको कसम है मेरी, चना मेरी कसम है यार, चना तुमको कसम है मेरी, तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कौन है, उसने दरवाजा क्यों खोला इतने पटेली में? छोड़ो मैं तुमको उससे कभी और मिलाऊंगी, अभी मैं जाती हूँ यहाँ से। हाँ निकलो, इसके बाद ना आज के बाद मेरे को कभी मुंह मत दिखाना, निकलो भागो इधर से, भागो। अब तुम्हारा और मेरा ना बात खत्म हो गया, अब मेरे को ना तुमसे कुछ वास्ता ही नहीं रखना है, निकलो। गया तेल लगाने, अभी तुम भी गए तेल लगाने, ब्लॉग भी गया, सब गए, देखना। चना तुम खाली पोकड़ इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। कौन है वो? मैं बोली ना तुमको, मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, तुम चिल्लाओ मत, मेरे को भी चिल्लाने आता है। निकलो इधर से, मैं भी चिल्लाऊं? ज्योति निकलो, मैं तुम चुप बैठो, मेरे को मुंह खोलने लगाओ मत, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूं। भागो, अब देखो तुम्हारा मेरे पे भी दिखेगा नहीं है, अब इसके बाद मैं तुम्हारे पे भी पत्थर उत्तर उठा के कुछ फेंक दूंगा, मुझे भी तुम्हारा मुंह नहीं देखना। हां तो जाओ मत देखो फिर, मेरे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है जा रही हूं मैं, भागो, जाओ मत, निकलो इधर से। हां ठीक है, भागो, दिमाग का खराब मत करो। यू शट अप, अरे जाओ, ओ प्लीज, तुम मुझे इंग्लिश मेरे सामने फटफट के मत दिखाओ, जाओ निकलो। तुमसे अच्छी इंग्लिश आती है, तुमसे अच्छे स्कूल में मैं पढ़ा हुआ, मेरे सामने तुम मेरे को मुंह खोल के दिखाओ। तुम अंबानी के दूसरे औलाद हो। हाँ हाँ मैं हूँ, जिसका भी हूँ, तुमको जिसका समझ जाना उसका हूँ मैं, जाओ। ज्यादा बोलो मत ठीक है ना, थोड़ा जुबान कम चलाओ, बहुत आ रहे हो। ठीक है जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना मुझे, मैं तो सोची मिलूँ तुमसे, फ्रेंड से मिलने को क्या मतलब, मैं मिला देती ना तुमको उससे, इतना तमाशा अगर वो देख रहा होगा तो। अब मैं शायद मुझे लग रहा है वो देख के ही बाहर आ रहा होगा। तुम सिर्फ एक बात का जवाब दो, मैं गया अंदर, मैं वहाँ पे गया, उसने दरवाजा खोला के, क्योंकि वो शायद लग रहा होगा उसको हम लोग मिलने आ रहे हैं। इशारा क्यों किया, दरवाजा बंद करो, क्योंकि हमारा झगड़ा छड़ा ना, तुम गुस्से में उसको कुछ भी बोल दोगे तो बाहर क्यों नहीं आया, ये तुमको सोचना चाहिए था ना, दो मिनट भी शक्ल नहीं देखा। अच्छा ठीक है चलो मिल लो, बस नहीं मिलना है। ए इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, अरे जाओ तुम, ठीक है ना, बस हुआ। हाँ, इतना बोल रही हूँ, अभी मिलाने को भी बोली ना। हाँ चलो जाओ यहाँ से, जा रही हूँ मैं। चना को देखो कितने ज्यादा गुस्से में था, देखा फाइनली मैंने उसका गुस्सा कैप्चर कर लिया, और उसे नहीं पता उसके साथ प्रैंक हो रहा है, तो अभी ये उसके साथ प्रैंक है। उसे ऐसा लग रहा है कि कार में विनोद है, बट कार में विनोद नहीं है, कार में मेरा फ्रेंड है, और मैं इनसे भी जल्दी मिलाऊंगी आप लोगों को। मैं अभी फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि ये चना के लिए सीक्रेट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये व्लॉग है ना, शायद चना जिस दिन व्लॉग डालने वाला है उसके दूसरे दिन ही ये व्लॉग आएगा, तो आप लोग जाके देखना, और जैसे ही चना देखेगा तो वैसे उसको थोड़ी तसल्ली दे देना कि हाँ ये प्रैंक ही था, क्योंकि वो गुस्से में बिल्कुल फायर है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किससे झगड़ा कर लेगा, और मैंने भी मनाया नहीं है, क्योंकि फिर अगर पता चलता ना, अब भी मैं बता देती कि ये प्रैंक है ना, तो मुझ पर डबल प्रैंक करता, पता है ना उसकी आदत कैसी है। सो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गई हूँ, चना को पीछे छोड़ा हमने, वरना पता उसका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा था। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, थोड़ा काम से हम बाहर जा रहे, हम थोड़ा काम था हमें, जिस सिलसिले में हम सुबह ही निकले थे, बट चना से भी मिलना था और प्रैंक भी शूट करना था, तो वो सारी चीज़ें हो गई है।
अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर हमें टाइम मिला तो शायद हम मूवी भी जा सकते हैं, या टाइम मिला आज हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज के दिन, जैसे कि छठ पूजा का ना स्टार्टिंग डे है बोलते हैं, तो आज के दिन थोड़ा पूजा पाठ भी रहता है, इसलिए मंदिर भी जाना था जो कि मैं जाके आ गई हूँ। तो मैंने मोस्टली मेरे सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, अगर मेरे पास टाइम मिला तो शायद मैं मूवी भी जाऊँगी, शायद अगर टाइम मिला तो, यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद। अदरवाइज जो काम बचे कुछ काम अगर उसमें टाइम चला गया तो फिर आज के दिन ऐसे ही गए। और ये ब्लॉग है ना, जिस दिन चना का ब्लॉग आएगा उसके दूसरे दिन मैं ये ब्लॉग शूट करूँगी, तो हालांकि उसने भी मेरे कुछ गुस्से वाली चीज़ें कैप्चर की है वहाँ पे, तो आप जाके चना के ब्लॉग में जाके पूरे वीडियोस देखना कैसे लगेंगे कमेंट में बताना, उसके बाद मेरे चैनल पे भी वीडियो देखना कैसे लगेंगे बताना, और किस टाइप के मैं प्रैंक करूँ चना के साथ ऐसा मुझे भी आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं कभी कभार ये बट ट्राई करूँगी कि अच्छा से अच्छा प्रैंक करूँ जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे लगे वीडियोस। और इसे प्यार करते रहना, शेयर करते रहना, लाइक कमेंट करते रहना, इंस्टा पे मुझे फॉलो करते रहना,